Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये एक पल जब ऑस्ट्रेलियन टीम वापस जाएगी, आप देखिए वहां से जो स्टेटमेंट आएंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम लैंड करेगी तब देखिए कितनी धज्जियां उड़ती हैं इस देश की, जिस पे हम सबको गर्व है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि एक इंसान गलत निकला। देखिए, हार जीत है, एक पहलू है। आप कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में टीम लैंड करेगी, ऑस्ट्रेलियंस तो इनको पत्थर मार मार के मार ही देंगे, क्योंकि आप इतनी बुरी तरह हार के। ऐसा नहीं होता, आप जीते हो, आपको हारना भी सीखना चाहिए। लेकिन आशा सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि आईसीसी अब इसका क्या रिएक्शन करेगा और क्या भारत पर भी वो पाबंदियां लगेगी जो इससे पहले पाकिस्तान पर लगी थी, जिसका भरपूर जवाब भी दिया था पाकिस्तान की जानिब से, और जो मेहमान आए थे उनकी हिफाजत की गई थी। लेकिन ऐसा भारत में दिखाई नहीं दिया गया, बल्कि वहां पर शहरियों ने भी पथराव किया, जिसकी तस्वीर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये है वो बस जहां उनके मेहमान, भारत के मेहमान, ऑस्ट्रेलियन टीम जो इस पर सवार थी, और खौफो हरास भी अब पाया जाता है। एडविन फिंच की जानिब से भी ये ट्वीट किया गया और उनका ये कहना है कि सूरत हाल काफी खौफनाक है। भारत में भविष्य में आईसीसी में जब मैच अलॉट होंगे उस पर पड़ेगा, दूसरे देश क्या इस बात का फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी शर्मनाक घटना है जिससे हम सब शर्मसार हुए हैं सिर्फ उस एक शख्स की वजह से। Those things that happen, it was disappointing. और वाकई में ये एक तरह से छवि तो खराब करता ही है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता था। जिस तरीके से कांच फूटा है, वो एक खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है यहाँ पर, चेतन जी, यहाँ पर बवाल मच जाता और आईसीसी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा कदम उठाती। पाकिस्तान, बांग्लादेश और जैसे देश जहाँ पर बैन लगते हैं, वो इंतजार ही कर रहे होते हैं कि इस तरीके की कोई घटना देश में हो, और ये बड़ा अच्छा मौका दिया है उंगली उठाने के लिए हम पर। और तभी तो समीप कहते हैं ना कि एक मछली पूरे जल को खराब करती है। बिल्कुल, और वही एक इंसान गुवाहाटी में आज पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। आप देखिए कि अगर कहते हैं ना लाहौर में श्रीलंका के खिलाफ गोलियां चली और इधर पत्थर चला, मतलब आपको उसी कैटेगरी में रख दिया जाएगा। जहां इंडिया के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, हॉस्पिटैलिटी की हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं अगर जाओ तो इंडिया जैसी कंट्री जाओ जहां पर आपकी इज्जत होती है, और सिर्फ एक इंसान की वजह से। बेशक उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन कहते ना आपने इतनी मेहनत की। सीट पर पड़े कांच के टुकड़ों को देखिए और सोचिए, अगर ये पत्थर किसी खिलाड़ी से टकराता तो। और रात को 11 बजे जब टीम की बस आ रही थी तो सिक्योरिटी व्हीकल्स आगे भी थे और पीछे भी, और किसी ने एक पत्थर उस बस के ऊपर फेंका। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अतिथि देवो भव का हमारे लिए क्या मतलब होता है, कैसे एक हार के बाद मेहमान नवाजी पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती है। शर्मनाक हरकत से ऑस्ट्रेलियाई टीम में डर का माहौल है। होटल लौटते हुए टीम की बस की खिड़की पर पत्थर मारा गया, ये बेहद डरावना है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये एक पल जब ऑस्ट्रेलियन टीम वापस जाएगी, आप देखिए वहां से जो स्टेटमेंट आएंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम लैंड करेगी तब देखिए कितनी धज्जियां उड़ती हैं इस देश की, जिस पे हम सबको गर्व है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि एक इंसान गलत निकला। देखिए, हार जीत है, एक पहलू है। आप कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में टीम लैंड करेगी, ऑस्ट्रेलियंस तो इनको पत्थर मार मार के मार ही देंगे, क्योंकि आप इतनी बुरी तरह हार के। ऐसा नहीं होता, आप जीते हो, आपको हारना भी सीखना चाहिए। लेकिन आशा सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि आईसीसी अब इसका क्या रिएक्शन करेगा और क्या भारत पर भी वो पाबंदियां लगेगी जो इससे पहले पाकिस्तान पर लगी थी, जिसका भरपूर जवाब भी दिया था पाकिस्तान की जानिब से, और जब मेहमान आए थे उनकी हिफाजत की गई थी। लेकिन ऐसा भारत में दिखाई नहीं दिया गया, बल्कि वहां पर शहरियों ने भी पथराव किया, जिसकी तस्वीर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये है वो बस जहां उनके मेहमान, भारत के मेहमान, ऑस्ट्रेलियन टीम जो इस पर सवार थी, और खौफो हरास भी अब पाया जाता है। एडविन फिंच की जानिब से भी ये ट्वीट किया गया और उनका ये कहना है कि सूरत हाल काफी खौफनाक है। भारत में भविष्य में आईसीसी में जब मैच अलॉट होंगे उस पर पड़ेगा, दूसरे देश क्या इस बात का फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी शर्मनाक घटना है जिससे हम सब शर्मसार हुए हैं सिर्फ उस एक शख्स की वजह से। Those things that happen, it was disappointing. और वाकई में ये एक तरह से छवि तो खराब करता ही है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता था। जिस तरीके से कांच फूटा है,
वो एक खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है यहाँ पर चेतन जी, यहाँ पर बवाल मच जाता और आईसीसी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा कदम उठाती। पाकिस्तान, बांग्लादेश और जैसे देश जहाँ पर बैन लगते हैं वो इंतजार ही कर रहे होते हैं कि इस तरीके की कोई घटना देश में हो, और ये बड़ा अच्छा मौका दिया है उंगली उठाने के लिए हम पर। और तभी तो समीप कहते हैं ना कि एक मछली पूरे जल को खराब करती है। बिल्कुल, और वही एक इंसान गुवाहाटी में आज पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। आप देखिए कि अगर कहते ना लाहौर में श्रीलंका के खिलाफ गोलियां चली और इधर पत्थर चला, मतलब आपको उसी कैटेगरी में रख दिया जाएगा जहां इंडिया के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, हॉस्पिटैलिटी की हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं अगर जाओ तो इंडिया जैसी कंट्री जाओ जहां पर आपकी इज्जत होती है और सिर्फ एक इंसान की वजह से, बेशक उसको अरेस्ट कर लिया गया है लेकिन कहते ना आपने इतनी मेहनत की। सीट पर पड़े कांच के टुकड़ों को देखिए और सोचिए अगर ये पत्थर किसी खिलाड़ी से टकराता तो। और रात को 11 बजे जब टीम की बस आ रही थी तो सिक्योरिटी व्हीकल्स आगे भी थे और पीछे भी, और किसी ने एक पत्थर उस बस के ऊपर फेंका। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अतिथि देवो भव का हमारे लिए क्या मतलब होता है, कैसे एक हार के बाद मेहमान नवाजी पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती है। शर्मनाक हरकत से ऑस्ट्रेलियाई टीम में डर का माहौल है। होटल लौटते हुए टीम की बस की खिड़की पर पत्थर मारा गया, ये बेहद डरावना है। अल्लाह हाफिज। The subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.